दरअसल 17 नवंबर को एमपी चुनाव के दिन मतदान के दौरान किसी विवाद के चलते कुछ लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ता सलमान खान को गाड़ी के नीचे कुचल दिया, जिससे उनकी जान चली गई। इस मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला करने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। पूरे दिन 20 गाड़ियां लेकर के पूरे क्षेत्र में घूमता रहा, मैं जानबूझ कर अवॉइड करके लौकुशनगर एरिया में रहा। लौकुशनगर के कार्यकर्ताओं को पता है, पूरे लौकुशनगर में रहा। फिर मैं गांव गया, सभी जगह से मैंने बातचीत की। बेचारे सब बढ़िया, 2 बजे तक मैं पूछने, 2 बजे मिड़का गांव में था। मुझे पूरे टाइम इस प्रकार की सूचनाएं मिलती रही। पता चला है कि रनीफार रोड पर जा रहे थे, नशे के धुत में सभी लोग भयानक नशे में थे, विधायक जी भी नशे में थे और इनों की गाड़ियां टकरा गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका जिम्मेदारी मुझे ठहरा रहे हैं। मैं फिर यही कहूंगा प्रशासन से कि अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे सजा दी जाए, और नहीं तो अगर ये दोषी है तो इनको भी सजा दी जाए। कमलनात के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने सोशल मीडिया पर भाजपा प्रत्याशी के 2 वीडियो जारी कर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। बबेले ने सोशल मीडिया पर लिखा, छतरपुर के राजनगर से भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया की गाड़ी से कुचलकर कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या की घटना के बाद 2 वीडियो सामने आए हैं। उन्होंने लिखा, एक वीडियो में पटेरिया कह रहे हैं कि वो घटना स्थल पर नहीं थे, सुबह उठा तो घटना का पता चला, जबकि दूसरे वीडियो में कह रहे हैं कि वो घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने आगे लिखा कि इससे पता चलता है कि भाजपा प्रत्याशी कितना झूठ बोल रहा है। एक और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सैकड़ों समर्थकों सहित मृतक परिवार के परिजन और रिश्तेदार धरना दे रहे थे, तो दूसरी ओर शव रखा हुआ था। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद था। आसपास के कांग्रेस कार्यकर्ता छतरपुर पहुंच रहे हैं, ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस पर मानसिक रूप से दबाव बना हुआ है। आपको बता दें, राजनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा के 40 वर्षीय ड्राइवर सलमान की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने नाती राजा की शिकायत पर भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया समेत 20 से ज्यादा लोगों पर हत्या के प्रयास में केस दर्ज किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।